तो दोस्तों, अगर आप भी Realme का डिवाइस यूज करते हैं और आप भी चाहते हैं कि आपका डिवाइस यहाँ पे ऑटोमेटिक पावर ऑफ हो जाए, मतलब एक आप टाइमलाइन सेट कर दें उसके अकॉर्डिंग आपका फोन ऑटोमेटिक यहाँ पे पावर ऑफ हो जाए, तो ये काफी अच्छा एक फीचर कह सकते हैं आपके डिवाइस के लिए, हो सकता है मे बी उस समय के लिए जब आपको इसकी नीड हो। एक्चुअली में होता क्या है, जब जो है आपको पता है कि जब आप सोते हैं या फिर कभी भी आपको ऐसा लगे कि हाँ आपको हमको इतने समय तक, जैसे आप मान लीजिए कहीं इंटरव्यू वगैरह में रहते हैं, आप सोचते हैं कि हाँ भाई इतने समय में ऑटोमेटिक हमारा डिवाइस जो है स्विच ऑफ हो जाए, एक टाइम लाइन हम इसमें सेट कर दें, तो ऐसे ही फीचर के बारे में जो मैं बात करने वाला हूं जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने इस Realme फोन में, और काफी अच्छी सेटिंग मैं बताने वाला हूं जिसके थ्रू जो है पावर ऑफ का जो यहां पे शेड्यूलमेंट है इसको आप यहां पे कर सकते हैं, जिससे कि आपका डिवाइस ऑटोमेटिक टाइम के अकॉर्डिंग जो है शेड्यूल होने के बाद यहां पे पावर ऑफ हो जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं बात करने वाला हूं इसी न्यू फीचर के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं Realme फोन के पावर ऑफ जो है ऑटोमेटिकली पावर ऑफ सेटिंग के बारे में जो मैं बात करने वाला हूँ, काफी अच्छा फीचर है, मे बी आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन में जहां पे आपकी इसकी नीड हो। ठीक है, तो इसको सबसे पहले शेड्यूल करने के लिए आपको करना क्या होगा, अपने डिवाइस के आपको सेटिंग जो है यहाँ पे ऑप्शन को ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग ऑप्शन को ओपन करेंगे तो देन आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको मिलता है सिस्टम सेटिंग। ठीक है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट आ सकते हैं और आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं, और जैसे ही आप यहां पे आते हैं तो यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है शेड्यूल पावर ऑन या फिर ऑफ। ठीक है, इस पे सिंपली आपको टैप करना है। अब यही चीज को आप जो है डायरेक्ट यहां पे भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं यहां पे ये चीज मिल जाती है, ये वाला फीचर यहां पे आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको यहां पे ढूंढ के बता दिया है, तो यहां पे आप सिस्टम सेटिंग में आके इस वाले ऑप्शन पे जो है यहां पे आ सकते हैं और यहां पे आपको ये ऑप्शन जो है मिल जाता है देखने को। ठीक है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ से मान लीजिए आपको अपने डिवाइस को यहाँ पे सेट करना है, मतलब पावर ऑफ करना है, एक टाइमलाइन आपको सेट करनी है, तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको पावर ऑफ वाले ऑप्शन में जो सिंपली टैप करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको टैप करना है। सबसे पहले आप इसको टैप करना है, आपको यहाँ से टाइम को सेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छे एक फीचर ये भी, अगर आप चाहते हैं डेली उतने ही टाइम आपका डिवाइस प्रॉपर स्विच ऑफ हो जाए तो स्विच ऑफ आप कर सकते हैं। ठीक है, इनकेस आप चाहते हैं एक टाइम देना चाहते हैं कि भाई इतने मिनट के बाद हमारा डिवाइस ऑफ भी, मतलब ऑन भी हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे पावर ऑन को भी सेट कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए रात को 11 बजे आपका डिवाइस आप चाहते हैं स्विच ऑफ हो जाए, तो बिल्कुल यहाँ पे रात को 11 बजे स्विच ऑफ हो जाएगा और ऑटोमेटिक ऑन भी हो जाएगा सुबह के 7 बजे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल अगर आप मैनुअली भी बाद में चाहें तो भाई ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पावर ऑफ चाहते हैं कि भाई मेरे को पावर ऑफ ही यूज करना है और एक प्रॉपर लिमिट के बाद ऑटोमेटिक जो है हमारा डिवाइस पावर ऑफ हो जाए, तो सिंपली आपको इस पर टैप करना है। ठीक है, जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको एक जो है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग टाइम को सेट करना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ से टाइम को सेट कर लेते हैं, ये 11 बजे है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे कोई भी एक टाइम सेट कर लेते हैं, एवरीडे आप चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं ये फीचर हमारा यहां पे सिंपल इनेबल हो चुका है। ठीक है, अब जैसे ही आज जो है यहां पे 11 बजेगा, ठीक है, जैसे ही रात में 11 बजेंगे वैसे ही जो मैंने टाइम सेट किया 11:07 पे, जैसे ही होगा हमारा डिवाइस ऑटोमेटिक पावर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है उस समय के लिए काफी ज्यादा हेल्पेबल ये वाला फीचर है, जिसे आप कभी इंटरव्यू वगैरह में रहते हैं या फिर आप ऐसी जगह पे हैं जहां पे मतलब आपको नीड होती है इस फीचर की। ठीक है, वहां पे आप मान लीजिए नहीं स्विच ऑफ कर पा रहे फोन किसी भी कारण से, तो आप एक टाइमलाइन पहले सेट कर सकते हैं कि हाँ इतने से इतने समय तक हमारा डिवाइस स्विच ऑफ रहे। ठीक है, और बाकी मैंने ऑन का भी बता दिया, अगर आप ऑन का भी चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं, लेकिन स्विच ऑफ का यहाँ पे प्रायोरिटी रहता है कि स्विच ऑफ होना जो है रहता है, तो आप स्विच ऑफ होने के लिए इस फीचर को जो है जरूर से यूज कर सकते हैं अपने इस Realme फोन में। तो दोस्तों, होपली आपको ये जो वीडियो है वो पसंद जरूर से आई होगी, तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो अपलोड करते मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए, उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।